हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सृष्टि। तो आज हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन करके एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे 3 कप नारियल का बुरादा। इसे लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें से हल्के हल्के खुशबू आने ना लग जाए। ये रोस्ट हो गया है और इसका कलर भी पहले से हल्का चेंज हो गया है, तो इससे ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करेंगे। तो अब इसमें डालेंगे 1 कप दूध। अब इसे मिक्स करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी और चीनी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो चीनी पिघलना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे चीनी पिघलने लगेगी, वैसे वैसे नारियल का बुरादा गीला होते जाएगा। तो अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से मॉइस्चर कम होना शुरू ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाएगा, तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर और इसे अच्छे से मिलने तक मिक्स करेंगे। तो अब ये मिक्सर रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैंने यहाँ पे नारियल का मिक्सर रखा है और साथ में थोड़ा सा सूखा नारियल रखा है कोट करने के लिए। तो अब थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और रोल करेंगे, और ध्यान रहे कि थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए, तभी एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो अपने हाथों में इनको अच्छे से रोल करेंगे। अब रोल करने के बाद इसे सूखा नारियल में कोट कर देंगे। ये देखिए लड्डू तैयार है। अब इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए नारियल के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।